good morning all of you i am neha i hope you all are good this is your science book let us start the chapter 30 we already start this chapter uh, before the ut exam now we have to start from here movement of the earth let us start once again from here earth shows two types of movement rotation and revolution what do you mean by rotation and the what do you mean by the revolution rotation रोटेशन द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सेस ऑल द टाइम क्या हो जो अर्थ हो वो एक जगह पे घूमे जैसे एक लट्टू घूमता है वैसे ही ये एक्सेस पे अपनी एक्सेस पे वो एक एक ही जगह पे घूमता जाए अपने स्पिन पे राउंड लगाता जाए तो उसको क्या बोलते हैं रोटेशन द एक्सेस इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ठीक है ये एक्सेस क्या होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे सेंटर ऑफ द पार्ट जो अर्थ का होता है वहां से ये क्या होती है इमेजिनरी लाइन हम फॉर्म करते हैं द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ठीक है जो स्पिनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं जो एक्सिस पे घूमती है अर्थ तो उसको क्या बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं नेक्स्ट आता है जो है द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अच्छा हमारा जो है जो अर्थ हमारी स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है जिसकी वजह से हमारा ईस्ट टू वेस्ट क्या दिखाई देता है सनसेट दिखाई देता है ठीक है आपने देखा होगा सनराइज कहाँ से होता है ईस्ट साइड से होता है और जो हमारा सनसेट होता है वो कहाँ से होता है वेस्ट साइड में होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्पिन जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है जिसके वजह से हमारा जो डे और नाइट होता है वो कॉस्ट किस साइड से दिखता है हमको अर्थ के सर्फस पे रहने की वजह से हमें क्या दिखता है ईस्ट से वेस्ट दिखता है मतलब हमारी अर्थ कहाँ रोटेट करिए कैसे रोटेट करिए वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करिए हमारा ईस्ट यहाँ है और ये वेस्ट है तो हमारी रोटेशन ऐसे होता है नेक्स्ट जाते हैं रेवोल्यूशन द अर्थ मूव इन टू ठीक है हमारी अर्थ किस वे में मूव करती है दो तो तरीकों में मूव करती है जैसे इट स्पिन ऑन इट्स एक्सेस एक तो आपने एक्सेस पे मूव करती है एट द सेम टाइम इट गोज अराउंड द सन और वो क्या होती है इसके अलावा क्या करती है सन के अराउंड भी घूमती है ठीक है एक तो अपने एक्सेस पे मूव कर रही है और दूसरा और सन के आसपास घूम रही है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन जो मूवमेंट होता है हमारे अर्थ का वो सन के अराउंड होता है उसको क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट आता है द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज वन ईयर ठीक है एक पूरा साल का जो चक्कर लगाता है वो जो लगाना मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको कितना टाइम लगता है एक साल का लगता है डेज होते हैं जो हमारे ठीक है वन सिक्सटी फाइव वन बाई फोर्थ डेज लगता है ठीक है वन बाई फोर्थ मीन्स क्या होगा ट्वेंटी फोर आवर अपॉन सिक्स करेंगे जो या कहिए सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर आवर्स करेंगे तो हमारा वन बाई फोर बचेगा अगर हम एक दिन को छः घंटे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटेट करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है सिक्स आवर्स सिक्स आवर्स सिक्स आवर्स हमारे चार साल में क्या बन जाता है वो लीप ईयर एक डे बन जाता है इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं वो क्या हम काउंट करते हैं वो नेक्स्ट एक दिन एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है फेररी में इसी की वजह से जुड़ता है ठीक है इसी जो हमारा पूरा कंप्लीट रोटेशन कितना टाइम में होता है थ्री डेज में ठीक है नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशन ऑफ ऑफ द द अर्थ अराउंड सन ठीक है जब रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है हमारे सन ए, सन के हम इर्दिर्द घूमते हैं तो क्या बनता है हमारा हमें दिखाई देता है ठीक है जो होते होते हैं हैं वो क्या होते है? आपको पता है ना सीजन मौसम द फाइव सीजन आर समर ऑटम विंटर मानसून एंड स्प्रिंग ठीक है ये फाइव सीजन है हमारे जो हमारे को क्या दिखते हैं जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो हमें तब कॉज होते है, दिखते हैं जैसे कौन कौन से समर समर आप जानते हो जो समर वेकेशन के टाइम हमें मिलती है समर वेकेशन किस लिए मिलती है जब हमारा समर सीजन चल रहा होगा ऑटम नेक्स्ट विंटर दिस टाइम इज विंटर टाइम नेक्स्ट मॉनसून एंड स्प्रिंग सीजन आफ्टर विंटर वी कैन सी द स्प्रिंग सीजन ठीक है आफ्टर विंटर के बाद क्या दिखेगा आपको स्प्रिंग सीजन दिखेगा जब हमारे बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं बहुत सारे ग्रीनरी दिखाई देती है बहुत सारे फ्लावर्स हर जगह फ्लावर्स फ्लावर्स आप देख सकते हो उस टाइम क्या कहते हैं स्प्रिंग सीजन बोलते हैं ठीक है फिर आता है डे एंड नाइट क्या देखेंगे हम लोग चैप्टर में आप डे एंड नाइट देखेंगे डे दे एंड नाइट आपको पता है क्या होता है दिन और रात ठीक है अब हम पढ़ेंगे अर्थ आर अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम सन द सन शाइन ऑल द टाइम बट ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ फेस द सन एट अ वन टाइम ठीक है या एट अ टाइम ठीक है क्या होता है हमारी जो अर्थ है ठीक है हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाए हम क्या करते हैं हमारी अर्थ हमेशा सनलाइट में रहती है ठीक है लेकिन क्या होता है हर टाइम सनलाइट में सनलाइट में होना पॉसिबल नहीं है अर्थ के लिए क्योंकि सर तो जो अर्थ है वो क्या है स्पेयर शेप में है तो वो जो जितना हिस्सा उसकी सनलाइट के पास होता है उत, उतनी जगह पे क्या होता है डे होता है और जितनी जगह पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती वो नेक्स्ट साइड क्या हो जाती है नाइट हो जाती है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आधा आधा हम सरफेस कट करके अलग कर लें अर्थ से और दोनों साइड सन के साइड हो जाए तब भी हीट ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए जो स्पैरकल शेप है इसीलिए डे और नाइट क्या होता है कॉज होता है कि डे टाइम में क्या हो जाता है वो uh, जब डे टाइम क्यों होता है क्योंकि जिस साइड में सनलाइट पहुंचती है उस साइड में क्या हो जाता है डे हो जाता है और जिस साइड में नहीं पहुंच पाती स्पेस की वजह से वो क्या हो जाता है ब्लैक कलर का शेड में रहता है वो क्या हो जाता है नाइट टाइम हो जाता है जस्ट रीड द फर्स्ट दिस हाफ ऑफ हैज डे एंड अदर हाफ ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज इन द डार्कनेस इट हैज नाइट ठीक है नेक्स्ट आते हैं

एक पार्ट में जो है सन जहाँ सनलाइट पड़ रही होती है हमारा डे होता है और नेक्स्ट टाइम में जब रोटेट करने लगती है जिस साइड में हमारा डार्क एरिया था वो नाइट से क्या बन जाता है डे बन जाता है और जो नाइट एरिया था वो डे बन गया तो अब जो डे टाइम था जहाँ पे अब वो क्या हो जाएगा नाइट टाइम आ जाएगा जैसे हमारा आ, देख लिया जाए जो नेक्स्ट एरिया है हमारा अमेरिका और यहाँ का देख लिया जाए इंडिया का टाइमिंग अलग अलग होता है ना द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स स कॉज डे एंड नाइट ठीक है रोटेशन जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से हमारा क्या पड़ता है डे और नाइट फॉर्म होता है सिंस द रोटेशन दिस रोटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और इसी वजह से वेस्ट ईस्ट से रोटेट करने की वजह से क्या होता west, Next, है द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट ठीक है नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी टू चलिए एक्टिविटी करने का टाइम है स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च इन साइड अ डार्क रूम ठीक है room, आप क्या करेंगे एक ग्लोब लेंगे आपके पास ग्लोब है नहीं है इट्स ओके okay. आप ग्लोब बना सकते हो इसके पीछे एक्टिविटी दी है आपके इसी चैप्टर के पीछे आप ग्लोब को बना के एक बार ट्राई करो ठीक है नेक्स्ट क्या है ग्लोब नहीं है तो आप क्या कर सकते हो एक बैलून ले सकते हो बैलून लीजिए और एक टॉर्च लीजिए एज दैट द ग्लोब इज द अर्थ एंड टॉर्च इन द सन इज द सन क्या है आप सोच लीजिए कि ग्लोब क्या है हमारी अर्थ है ग्लोब या बैलून आपका क्या है अर्थ है और जो हमारा टॉर्च है वो क्या है सन है प्लेस द ग्लोब इन द टेबल एंड थ्रो द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन इट क्या करिए ग्लोब को टेबल पे रख दीजिए और उसके बाद टॉर्च से उसमें लाइट डालिए हाफ ऑफ द globes विल बी लाइट अप एंड अदर पार्ट विल बी डार्क क्या होगी एक साइड में आप लाइट डालोगे तो एक ही साइड में लाइट आएगी और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा डार्क एरिया हो जाएगा नाउ स्लोली रोटेट द globe. अब धीरे से क्या करिए रोटेट कीजिए ग्लोब को द हाफ ऑफ दैट वॉज डार्क विल बी लाइट जो हाफ जो अभी हाफ था लाइट में नहीं था डार्क एरिया में था वो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डार्क जो लाइट एरिया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा डार्क एरिया में द हाफ ऑफ दैट वॉज लाइट अप विल बी द डार्क ठीक है थर्स ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब दैट फेस ऑफ फेस द टॉर्च गेट लाइट इन द सेम वे वेन द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट ओनली द हाफ ऑफ इट फेस द सन दिस हाफ विच फेस द सन हैज डे द अदर हाफ विच दस नॉट गेट द सन लाइट हैज नाइट ठीक है इससे आप क्या समझोगे जो हमारा जिस साइड में लाइट पड़ रही है वहाँ डे है और जिस साइड में लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ क्या है नाइट है नेक्स्ट आते हैं सन टॉपिक पे ठीक है सन के टॉपिक पे आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सन सन से आप क्या समझते हो द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर ठीक है सन क्या है एक बड़ी सी बॉल है जिसको क्या कहते हैं आग का गोला है है ना आग का गोला ही जैसा दिखता है सन इट इज द स्टार नियर नियरेस्ट टू द आर अर्थ ठीक है ये एक स्टार है जिसमें हम क्या कहते हैं अर्थ के ही सबसे पास है एक ऐसा स्टार जो हमारे अर्थ के पास है जो और सारे प्लानट के पास में है और सारे तो दूर है तभी तो छोटे दिखाई देते हैं द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लानट इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ ठीक है सन ही एक मेन सोर्स है हमारी लाइट और हीट के लिए ठीक है जो सारी प्लानट्स हैं और हमारी अर्थ को भी इसी में जोड़िए तो सभी के लिए ये क्या है मेन सोर्स है हीट और लाइट के लिए ठीक है फैक्ट फाइल क्या है द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज अजीजिया इन लीबिया एंड द कोल्डेस्ट इज वॉस्टॉक इन अंटार्क्टिका ठीक है जो हॉटेस्ट प्लेस हम देखें अर्थ में वो क्या है अजीज़ा है जो लीबिया में पड़ता है और जो जो हमारी कोल्डेस्ट प्लेस है वो वॉस्टॉक है जो अंटार्टिका कॉन्टिनेंट पे पड़ता है ठीक है नाउ जस्ट रीड दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर वर्क इन योर बुक थैंक यू